प्रदूषण की, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लोगों पर सांसों का संकट मंडरा रहा है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों से जवाब मांगा था। वो चार राज्य कौन से है वो भी बता देते हैं आपको, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी। इसके अलावा राजस्थान से भी जवाब मांगा था। राज्यों से प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए कदम पर जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था और इसी को लेकर आज सुनवाई होनी है। तो प्रदूषण का सितम जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से जवाब मांगा है। और खबर पर सारा जानकारी के साथ हमारे तीन संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ कपिल मेरठ से जुड़े हुए हैं, चरणजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं हापुड़ से, और साथ ही साथ अवैस अली हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अवैस आपके पास आना चाहेंगे, लखनऊ की क्या स्थिति है, प्रदूषण का सितम कैसा वहां पर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से एनसीआर के अंदर में प्रदूषण का एक स्तर बढ़ता जा रहा है तो उसी तरह प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर में भी जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी जो एक वाई का आंकड़ा है वो 250 के पार पहुंच गया है। हालांकि फिलहाल का जो टाइम है वो लगभग 7:15 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और मैं आपको यहां से तस्वीरें दिखा सकता हूं कि जो तमाम बिल्डिंगें हैं वो बिल्कुल धूमिल हुई पड़ी हुई हैं। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जो एक वाई के स्तर की जो चादर है वो आसमान के ऊपर जैसे बादल होते हैं इस तरीके से छाई पड़ी और धुंधली तरह से ये पूरी प्रदूषण की जो स्तर है वो लगातार नजर आ रहा है। हालांकि तमाम बिल्डिंगें ढकी हुई हैं और लोगों को सांस लेने में यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों के अंदर में हल्की फुल्की जलन हो रही है। तो वहीं जो चिकित्सक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार अगर किसी की आंखों के अंदर में जलन हो रही है तो वो आई ड्रॉप डालता रहे, क्योंकि तमाम जो सुविधाएं हैं चिकित्सक के द्वारा वो दी जाने वाली अब सरकारी अस्पतालों के अंदर में भी शुरू हो गई हैं। हालांकि जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है उनके लिए भी मास्क लगाने के लिए डॉक्टरों के द्वारा कहा गया है। लगातार बढ़ता हुआ जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं मनुष्य के बॉडी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण लगातार अभी 5 दिन के अंदर में मात्रा से अपनी बढ़ता हुआ नजर आया है तो कहीं ना कहीं उसके संकेत बहुत ज्यादा मनुष्य के लिए खराब होने वाले हो रहे हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से वाहन ज्यादा चलते थे धुएं की मात्रा बढ़ती थी, साथ साथ में जो निर्माण होते थे अब सरकार के द्वारा भी अहम कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो 4 मंजिल से ज्यादा ऊपरी निर्माण कर रहे हैं उनके भी सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं योगी सरकार के द्वारा तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस पर लगा दिया गया है और साफ तौर पर यही कहा गया है कि प्रदूषण को किस तरह से कम किया जाए इस पर विचार विमर्श। वैसे आएंगे आपके पास आएंगे, मेरठ का रुख कर लेते हैं, कपिल भी हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। कपिल, मेरठ की बात करें तो वहां की क्या स्थिति है, वहां पर AQI लेवल क्या है, क्या निर्देश जो है वो दिए गए हैं? कपिल, आवाज आ रही है आपको? और जो जहरीली जो गैस छोड़ रही है फैक्ट्रियां, इन पर लगाम लगाने की कवायद की जा रही है। इसके अलावा जो लगातार RRTS का काम चल रहा है मेरठ में, उससे भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण फैल रहा है, जिसको देखते हुए अब शासन ने इसे रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अगर बात करूं मैं AQI की तो AQI करीब 350 के आसपास चल रहा है। गंगानगर, बागपत रोड, दिल्ली रोड और सदर, बेगमपुर आदि इलाकों में जो है ये 350 के आसपास AQI चल रहा है, जिसे चलते कहीं ना कहीं लोगों में अब सांस की और आंखों की जो बीमारी है वो देखने को मिल रही है। जिसके चलते अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में और प्यारे लाल जिला अस्पताल में 350 से 400 मरीज रोज अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टर भी हैरान है कि अचानक ये संख्या दुगनी कैसे हो गई। वहीं अगर बात करें तो प्रशासन की तो उनके द्वारा लगातार निर्देश किया जा रहा है कि अभियान चलाकर उन धक्कामार वाहनों को रोका जाए और जो अवैध जो फैक्ट्री संचालित है जो जहरीला धुआं छोड़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को
परेशान कर रही है, इन्हें बंद किया जाए। आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछले दिनों से जो भीड़ बाजारों में आई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ जो है बाजारों में ठीक है तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक है। चरणजीत हमारे साथ हापुड़ से बने हुए हैं। चरणजीत, हापुड़ की बात करें, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ चाहे मेरठ हो, हर जगह वो धुंध दिखाई दे रही है, हापुड़ में किस तरह की स्थिति है?